ओम शांति। आज तारीख है 23 सितंबर 2020। आज की मुरली से मुख्य धारणाएं। आज शिव बाबा ने कहा, पहली पॉइंट है, अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। दूसरी पॉइंट, सर्व की मुबारक प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। इस समय तो सब पतित है, बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। निराकार को ही याद करते हैं कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजय बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद बेहद बच बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता, परमपिता तो एक ही है। उनको सब बच्चे भूल गए हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं। फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्तिधाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती है, शरीर नहीं रहते। ये जानते होंगे, अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु आत्माएं जाएगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे, अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब यह मनुष्य को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी? ये उनको कैसे समझाए? सर्विसेबल बच्चे जो है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनको यह चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दे? बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं, वह तो होता ही है एक धर्म, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं है। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती है शांति धाम से, वहाँ फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। अब बाप आते भी है पति दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते फिर सुखधाम में आएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों को कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी उच्च कैरेक्टर वाले बनते हैं, उन उच्च कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो। अब औरों को समझाए कैसे, कौन सी सहज युक्ति रचे? यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, यद्य अभिमान है। इसमें तो आत्माभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है,
बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे, युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है। परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु को हो कैसे सकती है, इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर ठिकर कच्छ मच्छ सब में है तो वह नाम रूप हो जाता है, कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्य को हम कैसे समझाए। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करता, मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वह लोग अल्लाह के पास पहुँच तो नहीं सकेंगे, मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुँचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं। यह सब बातें कैसे समझाए, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमोप्रधान है, जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी सोने में खाद डाली जाती है ना, आत्मा भी पहले प्योर सत्वप्रधान है फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमोप्रधान बन जाती है तब बाप को आना है, बाप ही आकर सत्वप्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं, जब उनको कैसे बताए कि तुम सब अल्लाह के घर पहुँच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, भगवान वाच तो है ही। मेरे को याद करने से यह जो पांच भूत है वह निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात यह चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई तब तो ख्याल आया कि जाऊँ जाकर सबको सुखी बनाऊँ, साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है, अकेले बाप क्या करेंगे। तो यह विचार सागर मंथन करो, क्या ऐसा उपाय निकले जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले उच्च होते हैं फिर नीच गिरते हैं, पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमोप्रधान नहीं होंगे। हर एक चीज़ पहले सत्वप्रधान फिर सत्व रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है, और क्या उपाय करें। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से कोई संपूर्ण नहीं बन सकते, चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमोप्रधान बने हैं फिर सत्वप्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़ फिर है चैतन्य, तो हम कैसे समझाए। मुसलमानों के मौलवी को समझाए कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। यह विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेजिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं, सब मस्जिदों को फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाए, तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दे। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है, बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पद्म पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले, सबको मुबारक दे। तुमको अभी पता पड़ा है परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो, कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं, तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं
जो दुर्गति को पाई हुई है पाई हुई हो वह अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊँच से ऊँच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो, नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊँच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्य को पता ही नहीं क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाए हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुँचे। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं है, ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं है कि बाप के पास कैसे पहुँचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं यह भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते यह सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। यह सभी रेजगारी बातें एक एक की तो नहीं समझा सकते, क्या करे कोई अखबार में डाले। टाइम तो लगेगा सबको पैगाम, इतना जल्दी तो मिल न सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए, यह हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकाले, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफ़र हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित है, बुलाते हैं पतित पावन आओ। निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया, भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं जिसको जीतकर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके राजा ही तो पाते नहीं, मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को पता नहीं है। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है, औरों को कैसे बताए जो मुक्ति जीवन मुक्ति का उपाय। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद को मुबारक किसको कहते हो, तुम अल्लाह के पास जा रहे हो। पक्का नीचे है जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, यह तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं, मुंज पढ़ेंगे बरोबर। हम जो पढ़ते करते हैं क्या करने के लिए, ऊँचते ऊँच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो, आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाए। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है, अभी हमको बहिष्ट तो नहीं कहेंगे। सब आत्माएं पतित है, पावन कैसे बने जो अल्लाह के घर जाए। वह विकारी आत्मा होती नहीं, वॉइसलेस होनी चाहिए आत्मा। कोई फट से तो सत्वप्रधान नहीं बनती, यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना, युक्तियाँ निकालनी चाहिए किसको कैसे समझाए। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊँ सुखी बनाऊँ, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुँचाने की युक्तियाँ रचनी है। सर्वों की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। वरदान नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वह कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देंगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, सब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी है। स्लोगन है,
समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना पर विघ्न न पड़े। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा।